मैंने एक शेर लिखा है, सुनाऊं? छोटे मोहब्बत की आड़ में तुम भी शायर बन गए, ठीक है, जरा हम भी तो देखें तुमने क्या कमाल किया है। तो अर्ज किया है, ये तो मेरी माशूका के खातिर लिखा हुआ शेर है, तो अर्ज किया है, कम्बख्त बिजली भी चली गई। छोटे, शेर और शायरी सुनाने का एक तरीका होता है, उस पर अमल करो। खींचने से ट्रेलर पिक्चर से बड़ा नहीं बन जाता, उम्र भर बुनियाद बनाते रहोगे या उसके ऊपर इमारत भी खड़ा करोगे, अर्ज के बाद का फर्ज अदा करो। ऐसा जादू है तेरे रूप में, गुलाब जो खिला है बाग में, ऐसा जादू है तेरे रूप में, गुलाब जो खिला है बाग में, ऐसा नशा है तेरी आंखों में, ऐसा नशा है तेरी आंखों में, शराब जो मिला है बार में। थक, बकवास। क्या हुआ भाई? ये शेर है या चुहा? इसे सुनकर तो तेरे महबूबा तुझे प्यार करने के बजाय लात मार के जाएगी, उसको भी पता चलेगा तो कितना बड़ा बेड़ा है। महबूबा के आंखों को तूने बार में मिलने वाला शराब के साथ मिला लिया। मिक्स करने के लिए तुझे सोडा, आइस, पानी, कोला कुछ भी नहीं मिला? तो क्या शायरी अच्छी नहीं? इस तरह के अनाप शनाप को कौन बेवकूफ शायरी कहेगा। मैं तुम्हें एक शेर सुनाता हूं, ये वो लफ्ज है जो प्यार के इजहार करते वक्त मेरे जबान से निकल गया था, और इसी शेर ने उस मोहतरमा को मेरा दीवाना बना दिया। बताइए भाई। अरे तू तो अपने बॉलीवुड की फिल्मों की तरह इधर उधर से कॉपी करके काम चला लेते हो, खुद का कंटेंट नहीं है तेरे पास? क्या करे, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है ठीक है, अब मैं अपना शेर सुनाता हूं। अर्ज किया है, वाह 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 वाह। अरे पहले सुन तो सही, वाह वाह ही बाद में कर लेना। भाई माफ करो, आप कहिए, मैं सुनने के लिए बेचैन। आपके आने से दिल के बगीचे में इश्क का गुलाब खिल उठता है। वाह। आपके आने से दिल के बगीचे में इश्क का गुलाब खिल उठता है। वाह। हम तो जिंदा है आपको देखते, हम तो जिंदा है आपको देखते, मुर्दा भी कुछ ना कुछ उघाड़ने लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, नदीम कश्मी, मीर मोहम्मद, सब आपके सामने फीके पड़ गए। तारीफ उस चीज की करनी चाहिए जो काबिले तारीफ हो, इस नाचीज की मोबोली तारीफ मुझे पसंद नहीं। आपका पसंद और नापसंद का ख्याल हम भी रखते हैं, फिलहाल तो आप अपने प्यार के बारे में बताइए। ये प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं, बताने से क्या फायदा। जिन यादों को मिटाना चाहता हूँ, जुटाने से क्या फायदा। दिल का दर्द बताने से मन हल्का हो जाता है। क्या वो आपसे प्यार नहीं करती थी, या उसने आपको धोखा दिया था? धोखा तो किस्मत ने दिया हमको, इसमें उसका क्या कसूर। धोखा तो किस्मत ने दिया हमको, इसमें उसका क्या कसूर। हमने खुशी से पिया गम को, हमने खुशी से पिया गम को, इसमें रूह से गया सुरूर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अबे वो मैं तो अपने गम का इजहार कर रहा था, तुझे उसमें भी खूबी नजर आ रही है। ये वाह वाही तो इस शायरी के लिए है, अभी और इंतजार नहीं कर सकता। आपके इश्क का दास्तान सुनने के लिए ये दिल बेचैनी से इंतजार कर रहा है। मेरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे, बॉलीवुड में फिल्में बनाओगे?
अभी एक अच्छी कहानी का भाव करोड़ों में चल रहा है। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरी इस कहानी का कोई मोल नहीं, कोई मेल नहीं, सिर्फ एक खेल है जिसमें मैं खिलौना बन के रह गया, नमूना बन के बह गया। सुनना चाहते हो तो सुनो। कुछ कहानियां फिल्में बनकर खिल जाते हैं और कुछ टेबल पर ही मुरझा जाते हैं।